आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 412 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 412 क्या पूछ रही है यहाँ पे? एन 18 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंटेड विथ रिपीटेड एपिस्टेक्सिस एंड देयर वाज ए मास अराइजिंग फ्रॉम द लेटर मास फ्रॉम द लेटर वॉल ऑफ हिज नोज एक्सटेंडिंग इनटू नेसोफेरिंग्स। इट वाज डिसाइडेड टू द ऑपरेट हिम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग हिज मैनेजमेंट एक्सेप्ट। तो क्या क्या बोल रहे हैं? 18 ईयर बॉय विथ रिपीटेड एपिस्टैक्सिस एंड देयर वॉज ए मास अराइजिंग फ्रॉम लैटरल वॉल मास फ्रॉम लैटरल वॉल ऑफ हिज नोज एक्सटेंडिंग इन टू फेरिंग्स। फ्रॉम लैटरल वॉल एक्सटेंडिंग टू नेजो फेरिंग्स ठीक है ना। इट वॉज डिसाइडेड टू ऑपरेट हिम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्ड इज मैनेजमेंट एक्सेप्ट। तो ट्रू अबाउट मैनेजमेंट आर ऑल एक्सेप्ट। ट्रू अबाउट मैनेजमेंट आर ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन वन, रिक्वायर एडिक्वेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ऑप्शन टू, लैटरल राइनोटोमी अप्रोच मे बी यूज्ड। ऑप्शन थ्री, ट्रांसपैलेटल अप्रोच यूज्ड। ये ऑप्शन फोर, ट्रांसमैक्सिलरी अप्रोच। फिर से देखिए, 18 ईयर मेल विद रिपीटेड एपिस्टेक्सिस, देयर इज मास फ्रॉम लैटरल वॉल एक्सटेंडिंग टू द नेसोफेरिंग्स। ट्रू अबाउट मैनेजमेंट आर ऑल एक्सेप्ट। रिक्वायर एडिक्वेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन, लैटरल राइनोटोमी, ट्रांसपैलेटल अप्रोच या ट्रांसमैक्सिलरी अप्रोच। एंड द राइट आंसर इज ट्रांसमैक्सिलरी अप्रोच हम लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 413 देखेंगे। 413 लोग पूछ रहे हैं, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद स्ट्राइडर एंड डिस्मिया व्हिच ही डेवलप्ड आफ्टर एन अटैक ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऑन एग्जामिनेशन ही वाज फाउंड टू हैव ए 3 सेंटीमीटर ग्लॉटिक ओपनिंग ऑल अ 3 मिलीमीटर ग्लॉटिक ओपनिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट एक्सेप्ट। तो पेशेंट विथ स्ट्राइडर एंड डिस्मिया ठीक है ना, आफ्टर URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ठीक है ना। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज 3 मिलीमीटर ग्लॉटिक ओपनिंग ठीक है ना। तो ट्रू अबाउट मैनेजमेंट आर ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन वन ट्रेकियोस्टोमी। ऑप्शन टू एरिटेनॉइडेक्टोमी। ऑप्शन थ्री टेफ्लॉन इंजेक्शन। ऑप्शन फोर कॉर्डेक्टोमी। फिर देखिए, पेशेंट विद स्ट्राइडर एंड डिस्मिया आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज 3 मिलीमीटर ग्लॉटिक ओपनिंग। ट्रू अबाउट मैनेजमेंट आर ऑल एक्सेप्ट। ट्रेकियोस्टोमी, एरिटेनॉइडेक्टोमी, टेफ्लॉन इंजेक्शन या कॉर्डेक्टोमी। एंड द राइट आंसर इज टेफ्लॉन इंजेक्शन नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 414 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 414 क्या पूछ रहे हैं? इन ए पेशेंट विथ मल्टीपल बायलैटरल नेजल पॉलिप विथ एक्सरे शोइंग ओपेसिटी इन द पैरानेजल साइनसेस, द ट्रीटमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो पेशेंट विथ मल्टीपल बायलैटरल नेजल पॉलिप ठीक है ना, मल्टीपल बायलैटरल नेजल पॉलिप एक्सरे क्या दिखा रही है? शोइंग ओपेसिटी इन पैरानेजल साइनसेस। ओपेसिटी इन पैरानेजल साइनस
पैरानेजल साइनस। तो ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन वन एपिनेफ्रिन, ऑप्शन वन एपिनेफ्रिन, ऑप्शन टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऑप्शन टू स्टेरॉइड्स, ऑप्शन थ्री एम्फोटेरिसिन बी, ऑप्शन थ्री एम्फोटेरिसिन बी, ऑप्शन फोर एंटी हिस्टामिनिक्स, ऑप्शन फोर एंटी हिस्टामिनिक्स। फिर देखिए पेशेंट विथ मल्टीपल बायलैटरल नेजल पॉलिप एक्सरसाइज शोइंग ओपेसिटी इन पैरानेजल साइनस, ट्रीटमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट एपिनेफ्रिन स्टेरॉइड एम्फोटेरिसिन बी एंटी हिस्टामिनिक्स, एंड द राइट आंसर इज एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी नहीं देंगे, एम्फोटेरिसिन बी नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 415 देखेंगे। 415 पूछा है 35 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद अ 15 डे हिस्ट्री ऑफ प्रोप्टोसिस इन हिज राइट आई एंड पेन ऑन आई मूवमेंट, इज डिफिकल्टी इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड गेज मूवमेंट, सिटी स्कैन शो ए सिस्टिक लेशन विद ए हाइपर डेंस ओपेसिटी विद इन इट लोकेटेड इन द सुपीरियर ऑब्लिक मसल, मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज। केस क्या दे रहे हैं, 35 ईयर मेल विद 15 डे हिस्ट्री ऑफ प्रोप्टोसिस, हैव प्रोप्टोसिस फॉर 15 डेज, ठीक है ना। और क्या बोला जा रहा है, ऑन हिज राइट आई, कहाँ पे हो रही है, राइट आई पे एंड पेन ऑन आई मूवमेंट, देर इज पेन ऑन मूवमेंट, ठीक है, देर इज डिफिकल्टी इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड गेज मूवमेंट, डिफिकल्टी इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड गेज, सिटी स्कैन शो सिस्टिक लेशन, सिटी स्कैन क्या दिखा रही है, सिस्टिक लेशन विथ हाइपर डेंस ओपेसिटी, ठीक है ना, विद इन इट लोकेटेड इन सुपीरियर ऑब्लिक मसल, इन सुपीरियर ऑब्लिक मसल, इन सुपीरियर ऑब्लिक मसल। डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस क्या, ऑप्शन वन डर्मोइड, ऑप्शन टू हेमेंगियोमा, ऑप्शन थ्री स्यूडो ट्यूमर, ऑप्शन फोर सिस्टिसर्कोसिस सेल्युलोसे। फिर से देखिए 35 ईयर मेल विथ प्रोप्टोसिस फॉर 15 डेज इन राइट आई, देर इज पेन ऑन मूवमेंट एंड डिफिकल्टी इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड गेज, सिटी स्कैन इज शोइंग सिस्टिक लेशन विथ हाइपरडेंस ओपेसिटी इन सुपीरियर ऑब्लिक मसल, डायग्नोसिस डर्मोइड हेमेंगियोमा स्यूडोट्यूमर या सिस्टिसर्कोसिस सेल्युलोसे, एंड राइट आंसर इज सिस्टिसर्कोसिस सेल्युलोसे, इट इज सिस्टिसर्कोसिस सेल्युलोसे। क्वेश्चन नंबर 416 देख रहे हैं, बेस्ट इरीगेटिंग फ्लूइड ड्यूरिंग ECCs, ठीक ना, बेस्ट इरीगेटिंग फ्लूइड In ECCE, ऑप्शन वन रिंगल लैक्टेट, ऑप्शन टू नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन थ्री बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन, ऑप्शन फोर बैलेंस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन विथ ग्लूटाथियन। फिर से देखिए, बेस्ट इरीगेटिंग फ्लूइड इन ECCs, रिंगल लैक्टेट, नॉर्मल सलाइन, बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन या बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन विद ग्लूटाथियन, एंड द राइट आंसर इज बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट आंसर इज बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 417 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 417 पूछ रहे हैं कि इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेगिया कॉज्ड बाय लेशन इन, ऑप्शन वन ऑक्सीपिटल लोब,
लोब, ऑप्शन टू प्रीटेक्टल फाइबर्स, ऑप्शन टू प्रीटेक्टल फाइबर्स, ऑप्शन थ्री मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, ऑप्शन थ्री मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, ऑप्शन फोर पैरापोन्टाइन रेटिकुलर फाइबर्स, पैरापोन्टाइन रेटिकुलर फाइबर्स। जैसे देखिए इंटर न्यूक्लियर ऑप्थर्मोप्लेगिया कैन कॉज बाय लेशन इन ऑक्सीपिटल लोब, प्रीटेक्टल फाइबर, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस या पैरापोन्टाइन रेटिकुलर फाइबर्स, एंड द राइट आंसर इज मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। क्वेश्चन नंबर 418 देख रहे हैं, 418 क्या पूछ रहे हैं, हॉर्नर सिंड्रोम कॉन्सिस्ट ऑफ, हॉर्नर सिंड्रोम कॉन्सिस्ट ऑफ, हॉर्नर सिंड्रोम कॉन्सिस्ट ऑफ, ऑप्शन वन मायोसिस एंड एंडोथेलमोस, मायोसिस एंड एंडोथेलमोस, एंडोथेलमोस, ऑप्शन टू मायोसिस एंड एक्सोथेलमोस, मायोसिस एंड एक्सोथेलमोस, ऑप्शन थ्री मायोसिस एंड प्रोप्टोसिस, मायोसिस एंड प्रोप्टोसिस, मायोसिस एंड प्रोप्टोसिस, ऑप्शन फोर मायोसिस एंड टोसिस, मायोसिस एंड टोसिस। देखिए हॉर्नर सिंड्रोम कॉन्सिस्ट ऑफ मायोसिस एंड एंडोथेलमोस, मायोसिस एंड एक्सोथेलमोस, मायोसिस एंड प्रोप्टोसिस या मायोसिस एंड टोसिस, एंड द राइट आंसर इज मायोसिस एंड टोसिस, हॉर्नर सिंड्रोम कॉन्सिस्ट ऑफ मायोसिस एंड टोसिस। क्या क्वेश्चन 419 देखेंगे, क्वेश्चन 419 लेशन ऑफ द ऑप्टिक रेडिएशन इन्वॉल्विंग द मेयर्स लूप कॉजेस, लेशन, लेशन इन ऑप्टिक रेडिएशन, ऑप्टिक रेडिएशन इन्वॉल्विंग मेयर्स लूप कॉजेस, कॉजेस, ऑप्शन वन होमोनीमस हेमियानोपिया, होमोनीमस हेमियानोपिया, हेमियानोपिया, ऑप्शन टू सुपीरियर क्वाड्रेंटनोपिया, सुपीरियर क्वाड्रेंटनोपिया, सुपीरियर क्वाड्रेंटनोपिया, ऑप्शन थ्री इन्फीरियर क्वाड्रेंटनोपिया, इन्फीरियर क्वाड्रेंटनोपिया, इन्फीरियर क्वाड्रेंटनोपिया, या ऑप्शन फोर सेंट्रल स्कोटोमा, सेंट्रल स्कोटोमा। इसे देखिए लेशन इन ऑप्टिक रेडिएशन इन्वॉल्विंग मेयर्स लूप कॉजेस होमोनीमस हेमियानोपिया, सुपीरियर क्वाड्रेंटनोपिया, इन्फीरियर क्वाड्रेंटनोपिया या सेंट्रल स्कोटोमा, एंड द राइट आंसर सुपीरियर क्वाड्रेंटनोपिया, सुपीरियर क्वाड्रेंटनोपिया। क्वेश्चन नंबर 420 देखेंगे, क्वेश्चन 420 रेकरेंट चैलाजियल इज प्री डिस्पोज टू डेवलप, तो रेकरेंट चैलाजियन कॉजेस, रेकरेंट चैलाजियन कॉजेस, ऑप्शन वन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन टू बेसल सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन थ्री एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, या ऑप्शन फोर एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा, एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा। फिर से देखिए रिकरेंट चैलाजियन कॉजेस स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा, एंड द राइट आंसर इज एडिनो कार्सिनोमा, रिकरेंट चैलाजियन कॉजेस एडिनो कार्सिनोमा। क्वेश्चन नंबर 421 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 421 लेंस कॉन्टेन ओल्डेस्ट सेल इन, लेंस कॉन्टेन ओल्डेस्ट सेल इन, ओल्डेस्ट सेल इन, ऑप्शन वन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ऑप्शन टू एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, ऑप्शन थ्री पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस, ऑप्शन फोर
न्यूक्लियो कॉर्टिकल जंक्शन ऐसा बता देता हूँ न्यूक्लियस में। लेंस कॉन्टेन ओल्डेस्ट न्यूक्लियस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।